Hello everyone, welcome to IFS. Good morning to all of you. I hope I am audible, visible to everyone. तो चलिए फटाफट से सब कोई जुड़ जाइए. तो आज से हम वेस्ट बंगाल सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंस मार्क करेंगे एंड फटाफट से मुझे बताएंगे एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू. यस, तो आज से हम सेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. ये सेट के साथ साथ UGC नेट पेपर वन के लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है. ओके, तो डेली बेसिस पे मैं आपके साथ 11 बजे यहाँ पे जुड़ूंगा. तो खास करके ये सेट एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो भी आगे अपकमिंग वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं. ओके यस, तो गुड मॉर्निंग वर्षा. तो जल्दी से सबको जुड़ जाइए और इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से उनके साथ शेयर कीजिए. सो वी विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स, देन वी विल स्टार्ट विद आवर सेशंस. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेट एग्जाम्स के. यहाँ पे मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये सेशंस अच्छे से अटेंड किया तो डेफिनेटली आपको यहीं से ही क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा सेट एज वेल एज UGC नेट के लिए. तो यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं यहाँ पे आपका उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस भी बताने वाला हूँ. ओके, गुड मॉर्निंग प्राची. सो चलिए जल्दी से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. पहला दिन है, पहला क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने चाहिए और बहुत ही मजा आने वाला है. बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, निमोनिक्स के जरिए पढ़ेंगे और यहीं से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ओके, जैसे कि पहले भी मैं आपके साथ मध्य प्रदेश सेट एग्जाम के लिए प्रिपेरेशन करवा रखता था, वहां पे पेपर वन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और बिलीव नहीं करोगे वहीं से ही क्वेश्चन फंसा था. ओके, तो सेट एग्जाम का और UGC नेट एग्जाम का बेनिफिट क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलाय करते हैं. PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं बट सेम टू सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. ओके, तो डेली बेसिस में 11 बजे मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ूंगा. तो जितने भी आपके फ्रेंड है जो भी UGC नेट सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप सबको पता है कि महाराष्ट्र सेट आने वाला है, MS सेट एग्जाम आने वाला है, तो अगर आपको MS सेट एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेस मिल जाएंगे, टेट सीरीज मिल जाएंगे और उसके साथ साथ लेक्चर सीरीज कंप्लीटली आपको यहाँ पे मिल रहे हैं पेपर वन के लिए. फ्लैट 30% ऑफ है यहाँ पे. अब आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS30. ओके, IFS30 यूज करोगे तो 30% ऑफ मिल जाएंगे आपके सारे के सारे पेपर वन के कोर्सेस में. आगे बढ़ते हैं. तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया सवाल है. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देयर आर टू स्टेटमेंट बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू. देखिए ध्यान से पढ़िए, यहां पे बोला है कैन नॉट बी ट्रू. विच आर दिस टू स्टेटमेंट आपको बताना है. डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट इन द क्रिटेशियस पोलियोलिथिक एरा. डायनासोर्स वर डिस्ट्रॉय आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर. Dinosaur fails to adapt to environmental changes. Dinosaurs might have been saved if they had been protected in the zoos. तो आपको बताना, क्या बताना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको फॉल्स बताना है. चलिए कोशिश कीजिए सबको यहाँ पे. यस, बाकी सब स्टूडेंट्स कहाँ गए, फटाफट से शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा सेशंस को. गुड मॉर्निंग अनुल, आफ्टर लॉन्ग टाइम. यस, बताइए. बहुत ही इजी सवाल है और ये आपके सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया सवाल है. वेस्ट बंगाल सेट में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ओके, चलिए बताइए. देखिए यहां पे अगर आप देखोगे, डायनासोर्स डिस्ट्रॉय आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, मतलब ये क्वेश्चन का मोए मोए हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा. तो आप देखिए आइदर टू होगा यहां पे. तो ये दो ऑप्शन को आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो. ओके, गुड मॉर्निंग अंजलि. अब देखिए टू के साथ फोर होगा, फोर को हम चेक करते हैं. डायनासोर्स माइट हैव बीन सेव्ड इफ दे हैड प्रोटेक्टेड इन जूस, क्या ये सही लग रहा है आपको, ये भी गलत है. तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कितना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर और यहां पर सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. ओके, ये इनकरेक्ट है.
क्योंकि डायनासोर तो 65 मिलियन ईयर एगो ही डिस्ट्रॉय हो गए थे, खत्म हो गए थे, ओके जो क्रिटेशियस पीरियड होता है उस समय ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, 165 मिलियन ईयर एगो ही पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। और जो गन पाउडर है ये तो 10वीं शताब्दी में आया था, 1100 ईडी में आया था ये, ओके उस समय तो डायनासोर ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। डायनासोर्स माइट हैव बीन सेव्ड इफ दे हैव बीन प्रोटेक्टेड इन ज़ूस, उस समय ज़ूस कहां था, उस समय ज़ूस थोड़ी ना था, तो ये भी एक इलॉजिकल स्टेटमेंट बन रहा था। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रेड डेटा बुक प्रोवाइड ऑथेंटिक डेटा ऑन व्हाट, रेड डेटा बुक, ओके ये वो वाला बुक नहीं है कम्युनिज्म वाला, आपको बताना है रेड डेटा बुक क्या है, चलिए बताइए व्हाट विल द आंसर। देखिए जो भी यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये हलवा सवाल है, मतलब जो भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे चुके हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन, या फिर जो हमारे यूट्यूब क्लासेस अटेंड कर रहे हैं पेपर वन के लिए, उनके लिए तो हलवा है, मतलब चॉकलेट केक सवाल है। सो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेड डेटा बुक्स जो है ये एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बताता है। ओके चलिए इसके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, क्या पता इससे और कुछ सवाल पूछे जा सकेंगे एग्जाम में आपके। तो देखो रेड डेटा बुक को हम, अब कॉपी पेन लेके बैठिए सबको नोट डाउन करते जाइए, इसको हम रेड लिस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड लिस्ट। ओके जैसे आपको पता है ना रेड कलर का जैसे कोई भी सिंबल आता है या फिर कुछ भी आता है तो क्या हम बोलते हैं कि एंडेंजर्ड है, रेड का मतलब ही डेंजर है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल प्लांट्स ईटीसी। ओके यस एनुअल मैनेजमेंट का भी मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं सेट के लिए, हम मैनेजमेंट का भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे WB सेट के लिए। अब देखिए यहां पे डॉक्यूमेंट्स होता है किसके रिगार्डिंग, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है उनके बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन होता है। ओके फिर ये याद रखिए इसे एस्टैब्लिश किसने किया था, IUCN ने, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, क्या है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको 1964 में बनाया गया था IUCN को। ओके एक ग्रीन डेटा बुक होता है, देखो इस बार रेड डेटा बुक पूछा था आपको, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ग्रीन डेटा बुक भी पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंटल डेटा ऑफ मोर देन 200 इकोनॉमीज, अब यहां पे ग्रीन डेटा बुक में आपको एनवायरमेंटल डेटा इकोनॉमीज के बारे में पता चलता है, एनवायरमेंटल इकोनॉमीज के बारे में पता चलता है। ओके अब जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, सैनिटेशन, अब ये सब के इंफॉर्मेशन कहां पे मिलता है आपको, ग्रीन डेटा बुक में, हरा भरा डेटा बुक है। हरा भरा का मतलब क्या, एग्रीकल्चर, हरा भरा फॉरेस्ट होता है, तो ये सब के इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेंगे, ग्रीन में मिलेंगे। ब्लू डेटा बुक, अब ब्लू डेटा बुक का मतलब क्या है, समवट बेटर, अगर ब्लू डेटा बुक में है तो मतलब वो सही है, मतलब वो अभी एक्सटिंक्ट होने के कदार में खड़े नहीं है, मतलब वो समहाउ नॉर्मल है अभी तक, ब्लू है। अब येलो डेटा बुक क्या है, एक्सटेंशन है रेड डेटा बुक्स का, प्रोवाइड द सीडी कंटेंट डेटा। अब रेड डेटा बुक का हायर वर्सन क्या है, येल्लो डेटा बुक है, मतलब यहां पर आपको जो खत्म हो चुके हैं, जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, जैसे डायनासोर हो गए आपके, अब ये कहां पे मिलेंगे, इसके इंफॉर्मेशन आपको येलो डेटा बुक में मिलेंगे। एक होता है कार्बन ब्लैक वॉल डेटा बुक, ओके अब यहां पे कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री, मतलब यहां पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना एमिट हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहां पे मिलेगा, कार्बन ब्लैक वॉल डेटा बुक में। क्लियर हुआ यहां तक सभी को, हाँ या ना जल्दी से बताइए। देखिए रेड डेटा बुक तो आपको पता चल गया, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पता चलेगा, जो खतरे की कदार में खड़े हैं, जो एक्सटिंक्ट होने के कदार में खड़े हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रेड डेटा बुक में मिलेगा। अब ये सब जितने भी बुक्स हैं ये सबको निकाला किसने था, IUCN ने निकाला था। अब IUCN का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके अब ग्रीन डेटा बुक क्या है, ग्रीन डेटा बुक में आपको जैसे ग्रीन से क्या पता चल रहा है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ब्लू डेटा बुक में आपको जो अभी तक एंडेंजर्ड स्पेसीज जो नॉर्मल है, नॉर्मल में जो है वो ब्लू है, ओके
और येलो डेटा बुक में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, और एक कार्बन ब्लैक वॉल डेटा बुक में जो है वहां पे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कितना ब्लैक इंडस्ट्री, कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्जर्व्ड? अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व किया जाता है? फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर, लास्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, या फिर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर? चलिए इसका आंसर करने का कोशिश कीजिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक हम कब ऑब्जर्व करते हैं? यस बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सबको, बहुत ही इजी सवाल है। यस तो हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कब ऑब्जर्व करते हैं? वेरी वेल डन, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, और सबका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। अब देखो इससे हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ये सबको हमें पढ़ना है, इस सबको हमें याद रखना है। देखो इंडिया इज वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, 17 मेगा डाइवर्सिटीज है हमारे भारत में, तो इसी के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसी के लिए वर्ल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करते हैं 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। वर्ल्ड लाइफ वीक कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 से 8 अक्टूबर तक हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इसको सेलिब्रेट करने का मेन मकसद क्या है कि हम जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फना है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। तो पहली बार हम इसे कब ऑब्जर्व किया था, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड लाइफ वीक को ऑब्जर्व किया था 1957 में, ये याद रखिए। ओके जो वर्ल्ड लाइफ वीक 2020 था, मार्क द 66th वर्ल्ड लाइफ वीक विच वॉज ऑब्जर्व अंडर द थीम रोर एंड रिवाइव। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है अब इस बार का जो वर्ल्ड लाइफ वीक है जो 2023 में, ओके जो 2023 में हुआ था, या फिर आप 2022 का भी डेटा देख सकते हो, इसका थीम क्या था, ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसका थीम आपको देखना है। ओके ड्यूरिंग वर्ल्ड लाइफ वीक वेरियस वर्कशॉप्स आर कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री। अब बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि हम लोगों के बीच में वो जागरूकता फैला सके कि हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। क्लियर है सभी को यहां तक, हाँ या ना? याद रखिए 17 मेगा बायोडाइवर्सिटीज है भारत में, हमारे टोटल 17 मेगा डाइवर्सिटीज है भारत में। हम वर्ल्ड लाइफ वीक 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक सेलिब्रेट करते हैं। पहली बार हम इसे 1957 में सेलिब्रेट किए थे। आपका होमवर्क यह है कि इस बार का वर्ल्ड लाइफ वीक का थीम क्या है, इसको पढ़ना है। कैसे करोगे, गूगल करो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और जब ये वर्ल्ड लाइफ वीक चलता है, वर्कशॉप्स होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, ताकि हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर काम कर सके और बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आपको बताना है IUCN जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, IUCN का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपको बताना है। स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके वेरी वेल डन गीता, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में सबको नोट डाउन कर सकते हैं। इस बार का थीम क्या था, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सबको कॉपी पेन लेके बैठेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। चलिए बताइए, देखिए इस बार का थीम मैं बता देता हूं, इस बार का थीम क्या था, इस बार का आपका 2023 का जो थीम था, क्या थीम था इसका, इस बार का थीम था आपका, थीम क्या था आपका, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार का थीम का नाम था। ओके ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। हेडक्वार्टर ऑफ IUCN कहां पे है, ग्लैंड में है, याद रखिए ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस,
ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन से फील्ड में काम कर रहा है, किस तरीके से हम नेचर को कंजर्व करेंगे और किस तरीके से हम सस्टेनेबल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, इसका काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिसर्च करता है, डेटा कलेक्ट करता है, एनालिसिस करता है, ओके, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाता है, उनको एडुकेट करता है। IUCN का मिशन ये है कि ये इन्फ्लुएंस करता है, एनकरेज करता है सोसाइटीज को कि आओ हम सब मिलके हम अपने नेचर को कंजर्व करें, सस्टेनेबल तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1964 में। क्लियर है सभी को यहां तक? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोटोकॉल दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज नोन एज व्हाट? अब कौन सा प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने की बात की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, वियना प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर कार्टेजेना प्रोटोकॉल? चलिए बताइए कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने का बात किया था। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैसेस आर देयर, इसका मैंने एक निमोनिक्स बताया था, ओके, क्या मैंने बताया था, कार में नाइट्रोस सूंघ के हाई होकर परफ्यूम लगाकर सो गया, तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस को याद करने का मैंने एक निमोनिक्स बताया था आपको। तो प्रोटोकॉल दैट रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इज नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब था, 1997 में आया था, और क्योटो है कहां पे, जापान में है आपका, याद रखिए। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा अभी पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। तो क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले याद रखिए, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, जो कि निकल के कहां से आया था, जो हमारे 1992 में जो UNFCCC हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ओके। तो UNFCCC में एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP3। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, जैसे जैसे पार्लियामेंट का पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से ना यहां पे क्या होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मेंबर कंट्रीज आते हैं, आपस में मिलते हैं और देखते हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना हम क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो COP में वही सब चीज के बारे में बात होता है। तो COP3 जो हुआ था 1997 में हुआ था, वहीं पे क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था, 11 दिसंबर 1997 में, याद रखिए 11 दिसंबर 1997 में इसको साइन किया गया था। फोर्स में कब आया, फोर्स में मतलब काम करना कब से शुरू किया, 16 फरवरी 2005 से काम करना शुरू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। साइन हुआ 11 दिसंबर 1997 में, फोर्स में आया 16 फरवरी 2005 में, ओके। तो 192 पार्टीज आर देयर, कनाडा ने विड्रॉ कर लिया था प्रोटोकॉल से, ओके, कनाडा इज नॉट द मेंबर ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। पार्टीज का मेन मकसद यही है कि रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये भी याद रखिए, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस को रिड्यूस करना। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिए CO2 इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए फाइट करना, ओके, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरीके से हमें जैसे भी करके रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, कंसेंट्रेशंस को एटमॉस्फेयर में, और जो डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको रिड्यूस करना, उसको रोकना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपको मैच करना है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए,
चलिए बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, क्विक एवरीवन जल्दी से आंसर बताइए। सो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए स्ट्रेटोस्फीयर से आप सबने मैच कर लिया होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली क्या पाया जाता है? ओजोन गैस पाया जाता है। तो देखिए बी का फोर, बी का फोर यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब हलवा, मतलब कितना इजी क्वेश्चन था देखो, मतलब ऑप्शन नंबर बी से ही मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ट्रोपोस्फीयर में क्या, बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। ट्रोपोस्फीयर में जितने भी वेदर ऑकरेंस हो रहे हैं, जितने भी वेदर फेनोमेना हो रहे हैं, ट्रोपोस्फीयर मतलब जो पहला लेयर है हमारा एटमोस्फियर का, वो उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। यहां पे सब कुछ होता है, पॉल्यूशंस होता है, सब कुछ होता है। तो ये हो गया आपका ट्रोपोस्फियर, जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं सब ट्रोपोस्फियर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में आपके ओजोन गैस पाए जाते हैं। मेसोस्फियर, एम से याद रखो मेसोस्फियर, एम से याद रखो मेट्रॉइड, तो यहां पे बेसिकली मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं। और थर्मोस्फीयर में क्या है? आयोनोस्फीयर। ओके, थर्मोस्फीयर में क्या है? आयोन्स, आयोन्स का फॉर्म होता है थर्मोस्फीयर में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके देखो ETMHT से आप इसे याद रख सकते हो, ETMHT, ETMHT से याद रख सकते हो। ये कभी कभी ना सीक्वेंस में पूछ देते हैं आपको कि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए, तो ETMHT से आप याद रख सकते हो। तो सबसे पहला लेयर होता है ट्रोपोस्पियर। अब ट्रोपोस्पियर में यहां पे आपको एयर पॉल्यूशन पाए जाते हैं, बैड ओजोन भी से हम बोलते हैं। स्ट्रेटोस्पियर में गुड ओजोन पाए जाते हैं। ओके, जो ओजोन हमें प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेटोस्पियर में पाया जाता है, 12 किलोमीटर है। उसके ऊपर है मेसोस्पियर्स, मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर है थर्मोस्पियर, ये जो एरोरा है, ये एरोरा फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा कभी कभी आसमान ग्रीनिश कलर हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मोस्पियर्स। ओके, और एक्सोस्पियर में आपके स्पेस स्टेशन पाए जाते हैं। स्पेस स्टेशन कहाँ पे होते हैं? एक्सोस्पियर्स में आपके हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए है, तो यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी अपकमिंग सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक महाराष्ट्र सेट या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्सेस मिल जाएंगे, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लेक्चर सीरीज भी, लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे? पेपर वन, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, और अलॉन्ग विद पेपर वन के आपको फुल फ्लेज रिकॉर्डेड कोर्सेस भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है। तो फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, बस आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS30, और आपका 30% ऑफ हो जाएगा आपके सारे के सारे कोर्सेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स यूटी हैड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर इन द कंट्री। अब सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, कहां पे पाया जाता है? गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, या फिर उड़ीसा में? बताइए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे पाए जाते हैं? क्विक एवरीवन जल्दी से इसका आंसर बताएंगे सबको ही, एंड कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड, जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से शेयर करते रहिए। यस वेरी वेल डन, कहां पे पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सुंदरबन फॉरेस्ट। ओके, हमारे सुंदरबन जंगल जो है दैट इज द मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके चलिए, तो वेस्ट बंगाल जो है 42.45% कवर करता है इंडिया मैंग्रोव कवर, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया में, उसमें से वेस्ट बंगाल लौता ही कवर कर रहा है 42.45%। उसके बाद गुजरात आता है, याद रखिए सीक्वेंस में आपको पूछे जा सकते हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो मैंग्रोव जो होते हैं नियर दी सी शोर पाए जाते हैं, नियर दी सी शोर पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये कोस्ट में पाए जाते हैं, जिसको हम एस्टुरीज भी बोलते हैं, मड फ्लैट्स भी बोलते हैं। ओके, ब्लैकिश वाटर में भी ये पाए जाते हैं, आपके लैगून्स भी बोला जाता है इससे हम। ओके, लैगून्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में बेसिकली पाए जाते हैं। द मैंग्रोव ऑफ द सुंदरबन आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोपैटिक मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी याद रखिए, ये रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। अब जो यहां से वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो आपको तो पता ही होगा।
ओके द मैंग्रोव एरिया आर बीइंग क्लियर फॉर एग्रीकल्चर यूज द मैंग्रोव ऑफ भितरकनिका उड़ीसा विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओके सुंदरबन के बाद कौन सा आता है, भितरकनिका जो उड़ीसा में है वो भी आपका सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको बताना है इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, यूरेनियम, एर्गॉन, क्रोमियम या फिर कोबाल्ट. बताइए जल्दी से बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्विक. यस सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज यूरेनियम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत बढ़िया. अब देखिए, अब यूरेनियम जो है इसका केमिकल सिंबल क्या है, यू. ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. यूरेनियम के तीन टाइप्स होते हैं, तीन आइसोटॉप्स होते हैं, U238, U235, U234. अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में यूरेनियम आते हैं. ओके फैथोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट, जो फैथोमीटर होता है अब इसे हम किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, अर्थक्वेक के लिए, रेनफॉल के लिए, ओशियन डेप्थ के लिए या फिर साउंड इंटेंसिटी के लिए. बताइए पैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर व्हाट, पैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर. क्विक एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर्स करेंगे. यस तो फैथोमीटर हम किसके लिए यूज करते हैं, ओशियन डेप्थ को मेजर करने के लिए. वेरी वेल डन, ओशियन डेप्थ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं यहां पे ओशियन डेप्थ. ओके अर्थक्वेक के लिए क्या यूज करते हैं, रिक्टर स्केल. ये याद रखिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आपको पूछ सकते हैं. अगर इस बार वो आपको ओशियन डेप्थ के लिए फैटोमीटर पूछे थे तो नेक्स्ट टाइम आपको अर्थक्वेक के लिए क्या पूछ सकते हैं, रिक्टर स्केल पूछ सकते हैं. रेनफॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेन गैज को यूज करते हैं. और साउंड इंटेंसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑडियोमीटर को यूज करते हैं. तो फैटोमीटर हम ओशियन डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. ओके इट इज कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजर द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इन द ऑब्जर्व लोकेलिटीज. उसके साथ साथ कितना टाइड का राइज हो रहा है, कितना टाइड फॉल हो रहा है, उसको उसका उसको भी मेजर करने के लिए फैथोमीटर को यूज होता है. ओके याद रखिए फैथो इज इक्वल टू फैथोमीटर किसके लिए यूज होता है, ओशियन के लिए यूज होता है. आगे बढ़ते हैं. यस तो देखिए यहां पे आप टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज, आपको रिकॉर्डेड कोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे. पेपर वन के लिए, कॉमर्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश. अगर आपके कोई भी फ्रेंड है जो सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ओके तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो. ओके यहाँ पे पेपर वन के भी रिकॉर्डेड कोर्सेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं सबके भी आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगे. तो फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, बस आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS30. ओके आगे बढ़ते हैं. फ्लाई एस इज ए पॉल्यूटेंट रिलीज मोस्टली फ्रॉम, जो फ्लाई एस होता है पॉल्यूटेंट होता है वो रिलीज कहां से होता है, क्लोरो अल्कली प्लांट से, टैनरी से, सुगर इंडस्ट्रीज से या फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है. जो फ्लाई एस होता है पॉल्यूटेंट जो होता है वो रिलीज कहां से होता है, बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Keep sharing with all your friends. बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहा, I don't know why. देखिए ये आपके लिए सेट के साथ साथ यूजीसी नेट के लिए भी बेनिफिशियल है. अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और उसके साथ साथ जो जून अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही है. तो कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स. और मैंने मार्क किया है बहुत सारे पेपर टू को तो सीरियस लेते हैं, खास करके सेट के स्टूडेंट्स, बट पेपर वन को इग्नोर करते हैं. बट अभी क्या है ना, सेट के पेपर वन का स्टैंडर्ड भी बहुत हाई हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते पेपर वन को. अगर आप इसी अटेंड में क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पे हम आपको यूट्यूब में फ्री प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्लासेस को भी आप अटेंड कर सकते हो. तो कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड, जो भी आपके फ्रेंड है उनके साथ शेयर करते रहिए. सो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं.
तो फ्लाई ऐश जो होता है इसको हम पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम याद रखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश भी बोलते हैं। ओके, ये कोल के कंबशन से रिलीज होता है। जब कोयला को हम जलाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट में, वहां से रिलीज होता है ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फ्लाई ऐश जो होते हैं टाइनी होते हैं, एयरबोर्न आर्टिकल होते हैं। ओके, और ये पार्टिकुलेट मैटर्स के टाइप होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5, PM 10 के बारे में पढ़ाई होगा, तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स में होते हैं। तो फ्लाई ऐश जो होता है ये एक एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट होता है। बेसिकली ये कहां से रिलीज होता है, ये आपका कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से रिलीज होता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है तो रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। हाँ थोड़ा रिजल्ट तो आउट नहीं हुआ है, रिलैक्स करते हैं, बट हमें रिलैक्स नहीं करना है। ओके, हमें पढ़ते रहना है। वेरियस सेट एग्जाम भी है, जो जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम दे चुके हो, मेरा उनसे यही सजेशन है कि आप सेट का फॉर्म भी भरिए, सेट का पेपर भी दीजिए। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए एसेसन रीजन का क्वेश्चन दिया है, जो पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा है आपके इंडस्ट्री से वो सीरियसली अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है कि जो पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्री से वो सीरियस रूप से अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। द डिजीज पैटर्न ऑफ अर्बन सोसाइटी हैज क्लोज कनेक्शन विद द डिटोरेटेड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड एयर। यस, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। अब जो पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्री से वो जाएगा कहां पे, वो वाटर में जाएगा, एयर में जाएगा, सॉयल में जाएगा। अब ये सब के वजह से क्या होगा, ये सब के वजह से बहुत सारे डिजीजेस फैलेंगे अर्बन सोसाइटी में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो भी यहां पे रीजन दिया है वो एसेसन को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। देखो क्योटो प्रोटोकॉल मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अब देखो वही क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या क्या हमने ग्रीन हाउस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार में मीथेन, मीथेन को हम क्या बोलते हैं, CH4 भी बोलते हैं, कार में नाइट्रोस ऑक्साइड NO2, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, कार में नाइट्रोस उनके हाई होके पर फ्लोरोकार्बन्स है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस आर द 6 ग्रीन हाउस गैसेस, और सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस में। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका गोल क्या है, रिड्यूस करना ग्रीन हाउस गैसेस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये तो आपको याद रखना है। अब ये निकल के कहां से आया था, UNFCCC से, COP 3 में, COP 3, ये याद रखना है। UNFCCC का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कहां पे किया गया था, क्योटो जापान में। कब किया गया था, 11 दिसंबर 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था। फोर्स में कब आया था, 16 फरवरी 2005 में फोर्स में आया था। 192 पार्टीज आर देयर, कैनेडा इसके अंडर नहीं है, यूएसए ने भी रेटिफाइड नहीं किया था कभी भी। ओके, अब इसका मेन काम क्या है, मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके कंसेंट्रेशन को रिड्यूस करना। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है ग्रीन हाउस गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 साल के लिए है उसका पोटेंशियल, मीथेन का 21 ईयर्स का है, और नाइट्रोस ऑक्साइड का 310 साल के लिए है। तो ये आपको, ये भी आपको याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच नेचुरल डिजास्टर कॉज मोर डेथ देन एनी अदर। अब कौन सा नेचुरल डिजास्टर
ज्यादा डेथ कॉज करता है आउट ऑफ दिस फोर ऑप्शन? फ्लडिंग, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस या फिर हरिकेन्स? बताएंगे व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्विक एवरीवन, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस, तो जिन्होंने भी फ्लडिंग आंसर दिया है बिल्कुल आपका आंसर सही है, 13 का ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, आई नो यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो फ्लडिंग जो है इससे सबसे ज्यादा डेथ होता है एज कंपेयर टू अदर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइस? नॉइस को मेजर करने के लिए किसको हम यूज करते हैं? मतलब फ्लडिंग का जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ना ज्यादा समय तक रहता है, समझ रहे को नहीं? मतलब अर्थक्वेक हुआ, एक बार हुआ, जितना मरना है मर गए, खत्म। बट जो फ्लडिंग का है ना, फ्लडिंग के वजह से बहुत उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिलता है और उसमें सबसे ज्यादा डेथ होता है फ्लडिंग में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, बाद में आप इसका एक्सप्लेनेशन को एक बार आप अपने तरफ से रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपको मैच करना है। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विली। अब इनके कंट्री ऑफ ऑकरेंस कहां पे इन पाए जाते हैं ज्यादातर? साइक्लोन कहां पे, हरिकेन कहां पे, टाइफून कहां पे, विली विली कहां पे? गुड मॉर्निंग दीप्ति लोजी, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच कीजिए आप। बताइए 15 का व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, चलिए, तो साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन हम इंडिया में बोलते हैं साइक्लोन। तो ए का हो गया थर्ड, तो ये दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, आइदर ये होगा या फिर ये होगा। अब हरिकेन को तो हम हरिकेन तो यूएसए में बोला जाता है हरिकेन। ओके, टाइफून चाइना होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा? देखिए टाइफून एक मतलब लग रहा है कि नहीं, चाइनीज टर्मिनोलॉजी एक लग रहा है, तो टाइफून हो गया आपका चाइना। ओके, जैसे टाइफून कुंफू एक चाइनीज टर्मिनोलॉजी लग रहा है, तो टाइफून हो गया आपका चाइना और विली विली कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट कॉजेज द लंग डिजीजेस कॉल्ड एस्बेस्टोसिस? एक एस्बेस्टोसिस एक लंग की बीमारी होती है। ओके, वो किसके वजह से होता है? टोबैको स्मोकिंग के वजह से, एस्बेस्टस की वजह से, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की वजह से या फिर एक्सपोजर टू रेडॉन? बहुत इजी सवाल है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। अब इनमें से कौन सा है जिसके वजह से आपका लंग डिजीज होता है जिसको हम बोलते हैं एस्बेस्टोसिस? बताएंगे जल्दी से। एंड कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड जो भी वेस्ट बंगाल सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहां पे। तो जितने भी आपके वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं आपके, वो लाइफ साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ज्योग्राफी से हो, फिजिकल साइंस से हो, केमिकल साइंस से हो, देखिए सबका कॉमन पेपर वन है। ओके, तो सभी को पेपर वन तो देना ही देना पड़ेगा। तो इसी के लिए पेपर वन के बिना आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जितना ज्यादा आप शेयर करोगे दूसरों के साथ उतना ही भगवान आपका भला करेगा। बिकॉज हम बोलते हैं शेयरिंग इज कैरिंग। ओके, जितना शेयर करोगे उतना ही ज्ञान आपका बढ़ेगा। तो व्हाट इज द आंसर? एस्बेस्टोस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेरी वेल डन, तो सबका आंसर बिल्कुल बी आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो देखिए एस्बेस्टस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, क्रोनिक लंग डिजीजेस है। ओके, क्रोनिक लंग डिजीजेस है कॉज्ड बाय इनहेलिंग एस्बेस्टस फाइबर्स। अब ये धीरे धीरे आपको मारेगा, ये जो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होते रहोगे ना तब मारेगा, तो इसी के लिए से बोला गया है क्रोनिक लंग डिजीजेस। अगर आप प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो रहे हो इस फाइबर से तो आपका जो लंग टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके, तो एस्बेस्टस सिम्टम्स कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड यूजुअली डोंट अपीयर अंटिल मेनी इयर्स आफ्टर कंटिन्यूड एक्सपोजर। ओके, तो ये धीरे 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 ये बहुत ही सीवियर रूप में इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एस्बेस्टस एक नेचुरल मिनरल प्रोडक्ट है दैट रेजिस्टेंस टू हीट एंड कोरोजन। ये रेजिस्टेंस किसके लिए, हीट एंड कोरोजन। इट वॉज यूज एक्सटेंसिवली इन द पास्ट इन द प्रोडक्ट, जैसे इंसुलेशन के प्रोडक्ट में यूज होता है, सीमेंट बनाने के इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टाइल्स फ्लोर टाइल्स जो बनाते हैं वहां से भी एस्बेस्टस को बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो एस्बेस्टस जो है लंग डिजीजेस कॉज करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एस्बेस्टोसिस। और बीमारी का नाम क्या है, एस्बेस्टोसिस है, जो कि एक लंग की बीमारी है जो कि एस्बेस्टोस को जो जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको इनहेल करने के वजह से होता है आपका। ओके, यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे सेट के टॉपर्स हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके से अपना फोटो यहां पे फ्रेम करवाना है तो बी दी पार्ट ऑफ IFS और IFS के साथ आप जुड़ के अपना सेट का जो सपना है, जो UGC नेट का जो सपना है आप सबका, यहाँ पे आप पूरा कर सकते हो। ओके, कोई भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, XYZ कोई भी UGC नेट, CSR नेट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो IFS के साथ जुड़िए एंड बी द पार्ट ऑफ दिस टॉपर्स लिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दीप्ति जी, आप क्या लिखे हैं, आपने मुझे पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस दीप्ति जी, थैंक यू, ये तो हमारा काम ही है मोटिवेट करना आपको, आप मोटिवेट रहिए, दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, आप पढ़िए दूसरों को भी पढ़ाइए। ओके, और समाज गढ़ने का काम कीजिए। चलिए, ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विच इज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथेन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड। अब ये सब क्या है, ये सब आपके ग्रीन हाउस गैसेस है, मैंने बताया था ना, कार में नाइट्रोस के हाई होकर परफ्यूम लगाकर सो गए, तो दिस इज द सिक्स ग्रीन हाउस गैसेस जिसको आपको याद रखना है। आपको बताना है इन चार में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। मैंने पहले ऑलरेडी बता चुका हूं 2-3 बार आपको, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये चार्ट है, इसके जरिए आपको और भी अच्छे से आप याद रख सकते हो। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड 60% रिलीज करता है आपका, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज ग्लोबल वार्मिंग में ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद याद रखिए सीक्वेंस में आपको पूछे जा सकते हैं मिथेन, ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का प्राइमरी गोल क्या है। आपने MDG गोल्स पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा होगा, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इनका मेन उद्देश्य क्या है, गरीबी हटाना, भूखमरी हटाना, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ केयर पर्टिकुलरली एज इट पर्टेन टू वाटर क्वालिटी एंड बेटर सैनिटेशन, अचीव जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रोमोटिंग जॉब एंड स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज। तो सस्टेनेबिलिटी का मेन कंसेप्ट क्या है, बहुत इजी सवाल है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वेस्ट बंगाल सेट में पूछा गया है। ओके, देखिए सबसे पहला तो गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, वन तो आएगा ही आएगा, वन सब में दिया है, सब में वन दिया है। फिर देखो अगर गरीबी हटा रहे हो, भुखमरी हटा रहे हो, उसके बाद आपका मेन एजेंडा क्या होना चाहिए, उसके बाद मेन आपका फोकस बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, हेल्थ केयर के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। ओके, किसमें, एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर फोकस होना चाहिए, वाटर क्वालिटी, फिर उसके बाद शुद्ध पीने की पानी मिलनी चाहिए, सैनिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान। तो 1-2 तो आएगा ही आएगा, अब यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, तो ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो हमने MDG गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। ओके,
जेंडर इक्वालिटी, तो 1, 2, 3 आएगा। फिर उसके बाद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सबको रोजगार मिलनी चाहिए, और सब अगर सबको रोजगार मिलेगा तो हमारा भारत का इकोनॉमी भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके यस, चलिए तो देखिए, टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर, सबसे पहला तो यह है कि गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अचीव करना जेंडर इक्वालिटी, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, जॉब को प्रमोट करना। यस, आगे बढ़ते हैं। ओके, मेरा एमपी सेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ, थैंक यू सो मच। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप्ति जी। चलिए देखिए, दीप्ति जी हमारे साथ कंसिस्टेंट बेसिस में जुड़े हुए थे यूट्यूब के सेशंस में, पेपर वन के सेशंस में, और आज उनको उनका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, उनका एमपी सेट फाइनली क्लियर हो चुका है। ओके, तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप्ति जी फॉर क्लियरिंग दिस एमपी सेट। डेफिनेटली अगर ये कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम भी कर पाएंगे, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट हो, सेट हो, डेफिनेटली हम उसको क्लियर कर सकते हैं। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखे रहना है, खुद के अंदर मोटिवेशन रखना है, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। जितना ज्यादा आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, उतना ही जल्दी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि आपको भी पता है सोशल मीडिया की दुनिया में हम रह रहे हैं, तो डीमोटिवेशन फैलाने वाले लोग बहुत हैं। ओके, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग बहुत हैं, बस हमें उस नेगेटिविटी चीजों से दूर रहना है, अपना फोकस पढ़ाई के ऊपर रखना है। बहुत सारे सोर्सेस हम पढ़ाई कर सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हो अच्छे से और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यस यस, अब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन करनी है। यस डेफिनेटली दीप्ति जी, अब तो ये पहला पड़ाव आपका पार हुआ है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आपको यह है कि अच्छे से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, एंड डेफिनेटली आपका क्लियर होगा आराम से। गुड मॉर्निंग मौसमी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर। देखो पानी में किसके वजह से, नाइट्रोजन डिप्लेशन की वजह से, क्लोरीन डिप्लेशन की वजह से, ऑक्सीजन डिप्लेशन की वजह से, या फिर ओजोन डिप्लेशन की वजह से। तो करेक्ट क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन के डिप्लेशन के वजह से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहां पे मुझे सबका बिल्कुल सही आंसर देखने को यहां पे मिल रहा है, वेरी वेल डन। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट नोन फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। देखो अभी हमने पढ़ा था अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, क्वेक मीटर। अब ये वो वाला नहीं है क्वेक क्वेक, ओके, वो डेटिंग ऐप नहीं है क्वेक क्वेक, क्वेक ग्राफ, सेस्मोग्राफ, या फिर टिपेनिक ग्राफ। यस डेफिनेटली दीप्ति जी, एंड दीप्ति जी कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, जो भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जिनको पता नहीं है इस IFS के प्लेटफॉर्म के बारे में, उनके साथ शेयर कीजिए। यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको पेपर वन के साथ साथ पेपर टू, ओके, तो उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप जिस तरीके से आपने क्लियर किया उस तरीके से वो भी क्लियर कर सके। सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सेस्मोग्राफ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो सेस्मोग्राफ जो होता है हम इसको यूज करते हैं अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइस इज इन एक्सेस ऑफ। अब नॉइस जो नॉइस है, अब ये नॉइस पॉल्यूशन में कब कन्वर्ट होगा, 80 to 100 decibel, 50 to 60 decibel, 70 to 75 decibel, या फिर 40 to 65 decibel। नॉइस पॉल्यूशन इज क्रिएटेड इफ द नॉइस इज इन द एक्सेस ऑफ, बताइए व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the answer for this question? Noise is in the excess of CR. Okay. चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए noise greater than 75 decibel, okay,
ओवर लॉन्ग एक्सपोजर कैन कॉज हियरिंग डैमेज, कैन कॉज हियरिंग डैमेज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, 70 to 75 decibel में जब आ जाता है तब उसके उसके चलते आपका हियरिंग डैमेज होता है। अब हियरिंग डैमेज हो रहा है मतलब दिस इज नॉइस पॉल्यूशन। ओके, नॉइस अबव 120 decibel कैन कॉज बायोकेमिकल चेंजेस इन ह्यूमन बॉडीज। बायोकेमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमन बॉडीज में। तो ऑडिबल रेंज फॉर हियरिंग द साउंड बाय द ह्यूमन ईयर इज 20 Hz to 20 kHz, 20 Hz से 20 kHz तक ये ऑडिबल रेंज है जिस रेंज में ह्यूमन ईयर सुन सकता है। अगर 80 decibel से अधिक हो गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉट, नॉइस पॉल्यूशन। देर इज डैमेज टू हियर कॉसेस एट 85 decibel, ओके, एंड देर इज हियरिंग लॉस। अगर 120 decibel से अधिक हो गया तो आपका जो हम बोलते हैं ना कान की जो पर्दे हैं या फिर जो वो खत्म हो जाएंगे, वो डैमेज ही हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है। अब नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल 2000 में पास हुआ था, तो इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, साइलेंस और इंडोर लिमिट में नॉइस का लिमिट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ICRS, पहला चीज है ICRS आपको याद रखना है। अब देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, अब यहां पे मशीन्स में काम किए जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पे साउंड इंटेंसिटी हाई होगा। तो याद रखिए कितना है, 70 to 75 है। कि फिर कमर्शियल एरिया से आ जाता है, ओके, कमर्शियल एरिया से आ जाता है, कहीं कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो कहीं पे है तो वहां पे हो गया 55 to 65 decibel रखा गया है। फिर रेसिडेंटल एरिया में 45 to 55, अब साइलेंस जोन में 40 to 50। अगर आप यहां पे देख रहे हो, देखो इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, अगर यहां पे आप देख रहे हो 40 फिर 45 फिर देखो 55 फिर 70, मतलब अगर आप देखोगे सब में ना 15-15 का गैप आ रहा है। यहां पे भी देखो 15-15-15 का गैप आ रहा है, अगर यहां पे आप देखोगे तो 10-10 का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगर एक को याद रख लिया आपने, सबसे पहले तो निमोनिक्स याद रखिए ICRS, फिर साइलेंस जोन में याद रखिए 45 to 50 रहेगा, 40 to 50 रहेगा, ओके। अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, जैसे साइलेंस जोन से रेसिडेंटल जोन में जा रहे हो तो वहां पे साउंड का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, फिर कमर्शियल में जाओगे फिर हाई रहेगा, फिर इंडस्ट्रियल में जाओगे तो हाई रहेगा। तो ऐसे 15-15 बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिक आपको आंसर्स मिल जाएगा। ये डायरेक्ट यहां से सवाल पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में कि बताइए रेसिडेंटल एरिया में नॉइस का लिमिट कितना होना चाहिए। क्लियर है सभी को यहां तक, क्लियर है सभी को यहां तक? अगर क्लियर है तो हां बताएंगे, यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, बोरिंग तो नहीं लग रहा है? 4 people left, बोरिंग लग रहा है क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिवर डैम प्रोजेक्ट और उनके लोकेशन कहां पे है, रिवर डैम का प्रोजेक्ट और उनका लोकेशन कहां पे, सीबा समुद्र प्रोजेक्ट कहां पे है, हिराकुड प्रोजेक्ट कहां पे है, मंडी प्रोजेक्ट कहां पे है, नागा अर्जुना प्रोजेक्ट कहां पे है। लिस्ट वन को आपको लिस्ट टू के साथ मैच करना है, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ आपको मैच करना है। देखिए डायरेक्ट सवाल आएंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो क्लासेस मिस कर रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मतलब अगर आपको खाना मतलब पूरा खिलाया जा रहा है तब भी आप इग्नोर कर रहे हो जैसे छोटे बच्चे करते हैं तो आप ही का ही घाटा है। चलिए तो देखिए नागार्जुना, नागार्जुना क्या है, ऑन द कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, ओके। अब ये नाम सब ना साउथ इंडियन नेम्स ही हैं, आंध्र प्रदेश जैसे ओ क्या है वो एक्टर का नाम, अल्लू अर्जुन, नागा अर्जुन, अब ये सब कहां के एक्टर है, आंध्र प्रदेश, अब उससे मैच कर सकते हो। नागा अर्जुन ऑन द कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, तो डी का वन होगा, यहां पे है यहां पे है, तो ये दो ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए, अब देखिए अब अपने अपने स्टेट से आप याद रख सकते हो। देखिए मैं उड़ीसा से हूं तो मैं हिराकुद प्रोजेक्ट को याद कर सकता हूं, महानदी इन उड़ीसा, तो बी का हो गया थर्ड।
अब बी का थर्ड कहां पे दिया है, बी का थर्ड यहां पे दिया है, ये तो ऑलरेडी हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए सीबा समुद्र प्रोजेक्ट जो होता है वो कावेरी नदी में होता है, कहां पे, कर्नाटका में है, हीराकुद उड़ीसा में है महानदी में, मंडी जो है मंडी हिमाचल प्रदेश में है, रिवर बीज के ऊपर इन हिमाचल प्रदेश, और नागार्जुन प्रोजेक्ट जो है वो कृष्णा नदी के ऊपर है आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए सर एमएस सेट के कितने मार्क्स चाहिए सर। मीनाक्षी वो तो बता नहीं सकते, वो तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी सेट में कट ऑफ 60% भी जाता है, किसी किसी में 52% भी जाता है, तो वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका कट ऑफ है मान लो 52% और आपका 52 से अधिक है तो डेफिनेटली आपका क्वालिफाई हो रहा है, तो वो वैरीज करता है आपके पेपर के ऊपर, क्वेश्चंस के डिफिकल्टी के ऊपर वैरीज करता है। लास्ट टाइम का देखिए मीनाक्षी, लास्ट टाइम एमएस सेट में ओबीसी कैटेगरी में आपके पेपर में कितना कट ऑफ गया था, उसी के आसपास ही रहने वाला है, ऊपर नीचे 2% 3% ऊपर नीचे हो सकता है, बस उसी के इर्द गिर्द ही रहने वाला है, 160 मार्क्स था तो यस उतना ही रहने वाला है आपका, जो 160 से 170 पकड़ के चलिए, तो आपको 160 से 170 के अंदर ही रहने वाला है आपका कट ऑफ इस बार भी। तो आप कोशिश कीजिए, देखो ये मेरा एस्टिमेशन है, आप उससे ज्यादा कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए 60% लेके आने का, मैं हमेशा बोलता हूं 60% कट ऑफ लेके आइए। हाँ 160 सेफ स्कोर है, बट मेरे हिसाब से आपके लिए 160-180 इज द सेफेस्ट स्कोर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आ जाते हैं तो सबको अच्छा करने लग जाते हैं, और अगर सबको अच्छा करने लग जाएंगे तो कट ऑफ भी आपका हाई होता है। तो कभी भी ये मत समझना कि पेपर बहुत इजी आए हैं मेरा तो क्लियर होने वाला है, नहीं, अगर पेपर इजी है तो आपके लिए इजी है, मतलब वो दूसरे के लिए भी इजी होने वाला है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी के लिए हमेशा आप अपना लास्ट टाइम का कट ऑफ से 10% आगे लेके चलिए, अगर लास्ट टाइम 160 गया था तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से 170 प्लस तो राइट करना ही करना है, 170 मार्क्स लेके आने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एमडीजी गोल्स। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, माँ की कहानी, हमने पढ़ा था माँ की कहानी, याद होगा आपको 8 एमडीजी गोल्स को याद करने के लिए मैंने माँ की कहानी बताया था। तो देखो इंप्रूव मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ माँ है तो ये तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद एक माँ है अपने बच्चों का बेसिक एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी, यस प्राइमरी एजुकेशन भी आएगा, ओके, एंश्योर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, फिर मैंने बताया था वो अपने घर वालों के लिए भी सोचेगी, फिर उसके बाद वो परिवेश के बारे में भी सोचेगी, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ये भी आएगा, अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। ये कहां पे है, ये आपका एसडीजी गोल्स में है, रामू की कहानी, अगर किसी ने मेरे साथ पढ़ा होगा तो मैंने बताया था ना रामू की कहानी, रामू की एक गर्लफ्रेंड थी जिसको प्यास लगा, पानी पीने के प्यास लगा, तो उसके लिए पानी लेने के लिए गया, तो वहां पे उसको पानी नहीं मिला तो उसने डैम बनाने चले गया, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये टोटल 8 एमडीजी गोल्स हैं आपके, ये आपके अपकमिंग एग्जाम में पक्का है, आइदर वो यूजीसी नेट हो या फिर सेट एग्जाम है, हमेशा यहां से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन गारंटी है आपके एग्जाम में। अब देखिए ये कहानी मैं बताने जा रहा हूं, जो पहली बार मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे हो ये कहानी को आप याद रख सकते हो। सबसे पहले एक माँ है, माँ की कहानी है, एक माँ जो है कभी भी अपने बच्चों को कभी भी गरीबी और भुखमरी में नहीं देख सकती है, तो गोल नंबर 1 एक माँ का सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि बच्चों को कभी भी गरीबी और भुखमरी में वो नहीं देख सकती, फिर उसके बाद उनको खाना वीना खिलाने के बाद वो किस तरीके से पढ़ लिख सीखे, मतलब प्राइमरी एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए, बेसिक एजुकेशन मिलना ही चाहिए। अब बेसिक एजुकेशन के लिए मैंने क्या बताया था, 6 to 14 years, 6 से 14 साल के बच्चे जो है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर वो पढ़ना लिखना सीख गए तो वो कौन मेल है कौन फीमेल है उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिलेगा, उनके बारे में वो जान सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस करेंगे, फिर एक माँ है, फिर वो अपने बच्चों को कभी भी मरते हुए नहीं देख सकती, तो रिड्यूस करना चाइल्ड मोर्टेलिटी,
बच्चों के बारे में वो सोचेगी, फिर उसके बाद वो अपने बारे में सोचेगी, फिर उसके बाद वो अपना सोचेगी कि किस तरीके से मैटरनल हेल्थ को इंप्रूव करना है, फिर अपने बारे में सोचेगी, फिर अपने घर वालों के लिए बारे में भी सोचेगी। तो किसी घर में किसी को कोई बीमारी नहीं होने चाहिए, होने चाहिए तो कम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। फिर घर के बारे में सोचने के बाद वो परिवेश के बारे में सोचेगी, तो कैसे एंश्योर करेगी कि सब कोई परिवेश में सब कोई अच्छे से है, तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। अब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए वो क्या करेगी, देश दुनिया घूमेगी, तो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो दिस इज द टोटल 8 MDG गोल्स। क्लियर है सभी को यहां तक? पता है यहां तक सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दिस इज द टोटल 8 MDG गोल्स जो कि फिक्स्ड है आपके एग्जाम में, आइदर वो UGC नेट हो सेट हो, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। ताजमहल इज थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, अब ये जो ताजमहल है ओके, अभी अभी बीच में न्यूज में आपने पढ़ा होगा कि ताजमहल में ना जो ग्रीनिश ग्रीनिश कलर हो रहे हैं, ग्रीनिश ग्रीनिश कलर हो रहे हैं, तो ताजमहल जो है वो थ्रेटेंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्लोरीन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके यस, H2SO4 ओके, सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड की वजह से ही ताजमहल में इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ताजमहल जो है वो एसिड रेन के वजह से अफेक्ट हो रहा है। अब मेल कल्प्रिट्स यहां पे कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, ऑक्सीडेशन प्रिंसिपल के बेसिस से सल्फरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि व्हाइट मार्बल्स को ताजमहल के जो है वो येलोइश कलर होते जा रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज नोन एज इकोसिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोल देते हैं। इकोलॉजी में आप इकोसिस्टम के बारे में ही स्टडी कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इकोसिस्टम जो होता है एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो लिविंग कंपोनेंट होता है, और एबायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो आपके ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इनडायरेक्ट तरीके से हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंडफॉल हो गया, सॉयल हो गया, मिनरल्स हो गया। तो दिस आर ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, और इकोसिस्टम में ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज यहाँ पे फॉलो होते हैं। ओके, और उसके साथ साथ दो तरीके के इकोसिस्टम पाए जाते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। नेचुरल इकोसिस्टम तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ओशियंस हो गया, जो नेचुरली फॉर्म होते हैं, जो क्रिएट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचर, तो दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे डैम बना रहे हो, एक्वेरियम बना रहे हो, गार्डन्स हैं आपके बनाए हुए गार्डन्स, तो दिस आर ऑल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। Which of the following is not a part of geological disaster? अब इनमें से कौन सा geological disasters का part नहीं है? Volcano, earthquake, tsunamis और sea surges. Geological, geological का मतलब geography, जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ disaster. बताइए जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्विक फटाफट से सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है फटाफट से शेयर करते रहिए। वो सेट के जो भी सेट के एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, अपने अपने सेट के जो भी फ्रेंड्स हैं जो कि पेपर उनको लाइटली ले रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्री में क्लासेस आपको मिल रहे हैं। ओके, फ्री का खाना तो हम छोड़ते ही नहीं है, अगर आपको फ्री में कोई दावत में बुलाएगा तो छोड़ी ना छोड़ोगे आप। तो इसी के लिए जहाँ पे भी फ्री में मिल रहे हैं ना, भंडारा बट रहे हैं, तो कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी सर्ज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओजोनोस्फीयर हम किसे बोलते हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे। विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज कॉल्ड एज ओजोनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ओजोन लेयर कहाँ पे पाए जाते हैं? यस क्विक, अब थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस खेलते हैं, अब थोड़ा हम फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following government scheme phrases हर खेत को पानी and per drop more crop associated? हर खेत को पानी, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे।
हर खेत को पानी, मतलब हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए। अब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, अब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, एक बार आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको हमारे फ्री आईएफएस ऐप में मिल जाएंगे, बस आपको जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है आईएफएस ऐप में। ओके, और वहां पे आपको फ्री में इसके पीडीएफ मिल जाएंगे जिसको आप पढ़ सकते हो बाद में आराम से। चलिए, हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन एसडीजीज, जल्दी से आंसर बताएंगे। एसडीजी के टोटल कितने गोल्स हैं, मतलब लफ्फू सा क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन एसडीजीज, 17, बच्चों वाला सवाल है। अब ये टोटल 17 गोल्स आर देयर, अब ऐसे कैसे आपको हमने आपने हमें बच्चा बोल दिया। ओके, क्वेश्चन भी बोलेगा ना, ऐसे कैसे आपने हमें क्वेश्चन इतना बच्चा बोल दिया। अब ये क्या करते हैं, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि बताइए बेटा गोल नंबर 9 क्या है, गोल नंबर 10 क्या है, गोल नंबर 7 क्या है, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये आपको गोल सारे के सारे गोल याद रखने हैं। अब ये गोल को याद करने के लिए मैंने एक कहानी बताई थी, रामू की कहानी। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा, अब जिनको जो जिनको पता नहीं है मैं जल्दी से आपको वो कहानी फिर से मैं बता देता हूं। तो रामू नाम का एक लड़का था। ओके, कहानी ध्यान से सुनना। रामू नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही गरीब था। तो आप ऐसे जा रहे थे और आपने देखा एक बच्चे को, ऐसे आजकल तो देखते हो ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, कोई मतलब कोई छोटे बच्चे को ऐसे कोई कहीं पे कोई फेंक के चले जाता है। तो ऐसे रामू नाम का एक लड़का था। तो रामू, आपको उसके ऊपर दया आई तो आपने उसको लेके आए अपने घर में। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी मतलब आपने उसको पहले, तो उसको गरीब था, उसको अपने घर पे लेके आए, फिर उसको आपने खाना खिलाया, फिर जीरो हंगर, गोल नंबर 2 ही जीरो हंगर। फिर जब वो खाना वाना खाया तो फिर उसका स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। तो दैट इज गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर जब वो खाना वाना खाया, ओके, फिर आप देखो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको क्वालिटी एजुकेशन देना आपका काम है। फिर उसको आपने स्कूल्स में भेज दिया पढ़ने के लिए। अब वो स्कूल गया पढ़ने के लिए। रामू कहाँ गया, रामू गया स्कूल, गया पढ़ने के लिए। अब जब वो स्कूल गया ना, अब स्कूल में उसको एक गर्लफ्रेंड बन गई, गर्लफ्रेंड, तो जेंडर इक्वालिटी, कौन मेल है कौन फीमेल है उसके बारे में उसको समझ आ गया। तो उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई, रामू की गर्लफ्रेंड। तो रामू की गर्लफ्रेंड को प्यास लगा, ओके, रामू की गर्लफ्रेंड को प्यास लगा। तो रामू भागते भागते गया। तो रामू जब गया ना, तो वहां पे पानी नहीं था, पानी नहीं था। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, गोल नंबर 6 इज नोन एज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब रामू को बहुत, रामू बहुत सच्चा प्यार करता था, ओके। तो रामू को बहुत गुस्सा आया, तो रामू ने बोला ऐसे कैसे। तो उसने बोला कि मैं डैम बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, डैम। तो डैम से क्या मिलता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। डैम से आपको एनर्जी मिलता है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करते हो। अब जैसे डैम बनाओगे, जैसे अगर आप डैम बनाओगे तो डैम के लिए क्या है, अब डैम बनाने के लिए लोग चाहिए। तो लोगों को आप रोजगार देना शुरू करोगे, तो रोजगार देना शुरू करोगे मतलब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इतने सारे लोगों को आप रखोगे कहाँ पे, तो उसके लिए आपने क्या किया, इंडस्ट्री को गढ़ा, इंडस्ट्री सेटअप किया, अपना एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया। तो III याद रखिए, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। अब रामू बहुत अच्छा आदमी था, तो उसने बोला कि हमारे ऑफिस में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ओके, एक चपरासी भी सीओ बन सकता है, एक सीओ भी चपरासी बन सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो रिड्यूस किया जाएगा इनइक्वलिटीज। अब रामू दिल का बहुत अच्छा था, तो उसने बोला कि मेरे जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, सबके लिए मैं सिटीज का गठन करूंगा। जैसे आपने देखा होगा कॉलोनीज होते हैं, ओके, जैसे रेलवे कॉलोनीज होते हैं, या फिर बड़े बड़े जो PSUs होते हैं उनके खुद के कॉलोनीज होते हैं, क्वार्टर्स मिलते हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब उसके साथ साथ यहाँ पे उनको खाने पीने की भी व्यवस्था भी हुई थी, उनको रहने के साथ साथ खाना वीना भी मिला। तो रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। बट अब ये जो वर्कर थे, ये डैम में काम करते थे, तो बहुत ज्यादा थक जाते थे, तो भर भर के खा जाते थे। तो
तो राशन के सामान खत्म हो गए, तो रामू हो गया गरीब। रामू क्या हो गया? रामू हो गया गरीब। अब रामू क्या बोला कि नहीं, अब मैं खुद खेती करूंगा। रामू बोला अपना जो कंपनी था अपने भाई को दे दिया और चले गया खेती करने के लिए। तो फिर आता है आपका क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन का मतलब क्या, आप खेती करने जाएगा तो खेती करने के लिए सबसे मेन चीज क्या चाहिए, एटमोस्फियर, टेम्परेचर कैसा है, तो क्लाइमेट देखा, वो क्लाइमेट अच्छा है। फिर खेती करने के लिए सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए, तो लाइफ बिलो वाटर। खेती करेगा कहाँ पे, जमीन पे करेगा, तो लाइफ ऑन लैंड। अब उसने खेती बेती कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा लाएगा इंस्टीट्यूशन से, बैंक से पैसा लाएगा। अब बैंक से पैसा लाने के बाद अब सामान जाके बेचेगा कहाँ पे, जितना भी उसका एग्रीकल्चर है, जो भी उसने फसल उगाए हैं, उसको बेचेगा कहाँ पे, मंडी में बेचेगा, सब्जी मंडी में। तो पार्टनरशिप फॉर गोल्स, तो दिस इज द टोटल 17 गोल्स जिसको आपको याद रखना है। अब यहां से कहीं पे भी कोई भी गोल आपको पूछ सकते हैं कि बताइए गोल नंबर 5 क्या है, गोल नंबर 10 क्या है, गोल नंबर 12 क्या है, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है सभी को यहां तक? इज इट क्लियर? ये कहानी सबको याद हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताएंगे। मेन यही पूछेंगे आपको एग्जाम में कि गोल नंबर 9 क्या है, गोल नंबर 6 क्या है, गोल नंबर 3 क्या है। अगर क्लियर हुआ तो जल्दी से यस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लरिश ड्यूरिंग, अब ये जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आप देख रहे हो, ये फ्लरिश कौन से काल में किया था? वैदिक और उपनिषदिक पीरियड में, मौर्यन काल में, कुषाणा पीरियड में, या फिर गुप्ता काल में? ये जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो भारत में है, ये फ्लरिश कौन से काल में सबसे ज्यादा किया था? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे, फास्ट एंड फ्यूरियस। वैदिक एंड उपनिषदिक पीरियड में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो यहां पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे लिखा है, आप यहां पे पढ़ सकते हो। ओके, तो गुरुकुल में क्या होता था, गुरु के आश्रम में जाके रहते थे, गुरु के आश्रम में रहते थे। ओके, मठस में भी उस समय पढ़ाए जाते थे, मठस में भी पढ़ाए जाते थे। गुरु को क्या बोला जाता था, उपसज्जिया भी, साया भी बोला जाता था, उपज सया भी बोला जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ एनकेएन, आपको एनकेएन का फुल फॉर्म बताना है, एनकेएन, जो कि रेस्पॉन्सिबल क्या है, एक यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। एनकेएन का आपको फुल फॉर्म बताना है। एनकेएन जो है एक हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन है जो कि कनेक्ट करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भारतवर्ष में, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? यस, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। याद रखिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, अब यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है ना, ये कनेक्टिविटी है। नेटवर्क का मतलब क्या समझते हैं आप? नेटवर्क का मतलब ही कनेक्शन है, जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना उनको कनेक्ट किया जाएगा कनेक्टिविटी के जरिए, ताकि एक दूसरे के साथ वो जुड़ा जुड़े रह सके। तो एनाबलिंग कोलाबरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन अमंग द एनकेएन कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस। ओके, डिस्टेंस एजुकेशन से स्पेशलाइज्ड फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिसिन, ये सब में भी यहां पे अल्ट्रा हाई स्पीड ई गवर्नेंस बैकबोन है ये। ओके, और नेशनल नॉलेज नेटवर्क का काम क्या है, ये एक नेटवर्क बैकबोन प्रोवाइड करता है आपका, हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है। तो दिस इज एनकेएन, एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जोड़ के रखता है आपस में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ऑन द कंप्लीशन ऑफ वन ईयर ऑफ एनईपी 2020, जुलाई 2021 में एक साल पूरा हुआ था, तो भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेस को 5 इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको बताना इन 4 में से कौन सा लैंग्वेजेस को यूज किया गया था ताकि इंजीनियरिंग एजुकेशन को पढ़ाने के लिए, आसामी, उड़िया, मैथिली या फिर बंगाली?
बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्विक एवरीवन, एंड कीप शेयरिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, आखिरी तक बने रहना है। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं यहीं से ही क्वेश्चंस आपके अपकमिंग सेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, आइदर वो वेस्ट बंगाल सेट हो, महाराष्ट्र सेट हो, या फिर जो भी सेट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपने इन जो 5 दिन जो बचा है, 6 दिन जो बचा है, अगर आपने ये सारे के सारे सेशंस को देख लिया, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं यहीं से ही क्वेश्चन फिक्स्ड है आपके एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए तो देखिए, टू मार्क द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जुलाई 2021 में पूरा हुआ था, तो 14 कॉलेजेस में 14 कॉलेजेस इन 8 स्टेट विल टीच इंजीनियरिंग कोर्सेस। अब ये याद रखिए, बांग्ला के साथ साथ और कौन से सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाए जाएंगे? एक तो हिंदी, हिंदी तो होगा ही होगा, हिंदी तो होगा ही होगा। अब देखो, ये इंडिया के ना मेजर भाषाएं हैं, अगर आपको याद रखना है ना। अब यहाँ पे इंडिया की जो मेजर लैंग्वेजेस है ना, उनको लिया गया है, तो सबसे पहले तो हिंदी तो आएगा ही आएगा। एक तो साउथ के लिए कौन सा है? तमिल, तमिल आएगा। एक तेलुगु आएगा, एक मराठी आएगा, और एक बांग्ला आएगा। इंडियन साइन लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज सब्जेक्ट अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉइंट याद रखिए, जो साइन लैंग्वेज को है, जो हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसको लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। विद्या प्रवेश, ये याद रखिए, विद्या प्रवेश क्या है? अ 3 मंथ प्री स्कूल मॉड्यूल। जैसे विद्या प्रवेश, जैसे गृह प्रवेश बोलते हैं, उसी तरीके से विद्या प्रवेश, विद्या प्रवेश मतलब जब पहली बार एक बच्चा स्कूल जाता है, तो दैट इज प्री स्कूल मॉड्यूल को डेवलप किया जाएगा। अब इसको कौन डेवलप करेगा? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी जो है वो स्कूल के लिए होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है स्कूल करिकुलम के लिए होता है, स्कूल के लिए होता है। यहां पे बच्चों को नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और अल्फाबेट सिखाया जाएगा, ए बी सी ये सब सिखाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, एआई का यूज किया जाएगा। ओके, और ये तो आपको पता ही होगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पे कॉलेजेस में टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है सभी को यहां तक? यस, डेफिनेटली काजल, ये नेट के लिए भी है, ये मत समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सेट के लिए है, ये नेट के साथ साथ सेट के लिए भी बेनिफिशियल है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट, आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सेट में स्टूडेंट्स कम है, ओनली 4 पीपल आर वॉचिंग, Why so less students are there? Given below are 4 statement, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। 1854 में पहली बार 3 यूनिवर्सिटीज को सेटअप करने की बात की गई थी। प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन जो था बहुत ही स्लो था प्री इंडिपेंडेंट इन इंडिया में। मैकोलेस मिनिट डिड हैव अ क्रिपलिंग इफेक्ट ऑन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नेशनल कॉलेज को सेटअप किया गया था 1906 में फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ इंडियाज आर्ट लिटरेचर फिलोसफी अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मोतीलाल घोष। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। 1854 में हुआ था कि 1857 में हुआ था, कौन बताएगा मुझे? 1854 में हुआ था या फिर 1857 में बीएमसी को एस्टेब्लिश किया गया था, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता? गलत 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 गलत, आइदर बी होगा या फिर सी होगा। 2-3 यहां पे कॉमन है, 2-3 यहां पे भी आएंगे, मतलब 2 और 3 को तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 और 3 तो आएंगे ही आएंगे, बस आपको देखना है 4 सही है या गलत है। नेशनल कॉलेज वॉज सेटअप इन 1906 फॉर इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ इंडियन आर्ट्स लिटरेचर फिलोसफी अंडर द प्रिंसिपलशिप ऑफ मोतीलाल घोष, ये गलत था, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वेरी वेल डन मौसमी और अरविंदो। ओके, जादवपुर यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, उसके साथ साथ आपका उस समय शांतिनिकेतन को एस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर है?
तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलत हुआ कि नहीं? तो ऐसे ही हम गलत कर जाएंगे, अगर हमने पढ़ा होगा आराम से हम आंसर सही कर सकते हैं। यस, सतीश चंद्र मुखर्जी ने, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो था उसको फाउंडेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी 1906 में, और जो अरविंदो घोष थे वो इसके फर्स्ट प्रिंसिपल बने थे। श्री अरविंदो घोष वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसे किसने बनाया था? स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर के द्वारा बनाया गया था। और जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटी को 1857 में सेटअप किया गया था, ओके। और 1854 में आपका क्या आया था? वुड डिस्पैच आया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्या कार्टा? पेड़ कार्टा, वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब ये एनकरेज कर रहे थे इंडिजिनियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब बच्चों को अपने मातृभाषा में पढ़ाने के लिए भी बात किया गया था यहाँ पे। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया गया था। फिर लॉर्ड मैकोलेस, मैकोलेस मिनट आया था, उनका फोकस किसके ऊपर था? 1835। मैंने बताया था ना घड़ी में 6:35, तो 1835 मैकोलेस, ओके। तो मैकोलेस माइनट जो आया था वो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया था, कि इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which of the following is having the primary objective to disseminate country-wide higher educational program through the TV along with the proper use of ICT? Infibnet Center, CEC, Doordarshan या फिर NAC? अब ये क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? कटिंग मेथड एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू यूज इन योर एग्जाम। देखो NAC, NAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ओके। अब इसका काम क्या है? ये असेस करता है, एक्रेडिट करता है, ये तो आएगा नहीं। दूरदर्शन तो आएगा नहीं, तो बचपन में हम देखते थे दूरदर्शन में, अभी तो कोई देखता ही नहीं है, पहले हम दूरदर्शन में देखते थे सब कुछ, तो ये भी आएगा नहीं। इन्फ्लिपनेट सेंटर जो है ये हमने क्या पढ़ा था, जो स्वयं है, स्वयं प्रभा का वेबसाइट है, उसको मेंटेन करने का काम करता है, ये भी नहीं आएगा। CEC, CEC का फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, CEC। अब ये क्या करता है? डिसमिनेट करता है एजुकेशनल प्रोग्राम टीवी के माध्यम से, आईसीटी के हेल्प से। अब देखिए इस यहां पे इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है। अब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, ये एक ऑटोनॉमस IUC है, ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब CEC को एस्टैब्लिश करने का मेन मकसद क्या था? टेलीविजन के माध्यम से हायर एजुकेशन के जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड करना आईसीटी के मदद से, ओके। तो ये इसका काम है, यह याद रखिए। इन्फ्लिपनेट सेंटर, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इन्फ्लिपनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आपको पूछेंगे एग्जाम में। अब यह है कहां पर है? गांधीनगर में है। ये भी एक ऑटोनॉमस IUC है, किसके अंडर में आता है? UGC के अंडर में आता है, ओके। अब ये जो हमारे वेबसाइट है उसको मेंटेन करता है, स्वयं, स्वयं प्रभा, ये सबके वेबसाइट को कौन मेंटेन करता है? इन्फ्लिपनेट सेंटर इसका मेंटेन करता है। इन 6th century BC विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फ्लरिश्ड एज अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उज्जैनी। 6th century BC में कौन सा प्लेसेस फ्लरिश किया था सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और उज्जैनी। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्विक एवरीवन, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए।
एक बार ये समय चले गया ना फिर दोबारा नहीं आएगा, तो इसी के लिए अभी जितना तकलीफ हो रहा है होने दीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एक बार आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, फिर उसके बाद और टेंशन नहीं रहेगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो तक्षशिला जो है ये एंशियंट इंडियन और बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन भी हुआ करता था, ये 5वीं शताब्दी BC या फिर 6th century BC में इसका एग्जिस्टेंस पाया जाता था। यहाँ पे चाणक्य पढ़ाते थे और पढ़ते भी थे, यहाँ पे चाणक्य के साथ ये एसोसिएटेड था, और यहाँ पे बुद्धिस्ट जातका टेल्स के बारे में भी यहीं पे लिखा गया था, बुद्धिस्ट जातका टेल्स, जहाँ पे बुद्धा के लाइफ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कम्प्लीटली। ओके, यहीं पे अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था, और यहाँ पे चरक ने भी यहीं से पढ़ाई की थी, आयुर्वेदिक हिलर चरक ने भी यहीं से पढ़ाई की थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे पाणिनी ने भी अपना लिखा था, कंपोज किया था, क्या कंपोज किया था पाणिनी ने, अष्टाध्यायी ग्रामर के लिए फेमस थे वो, चरक मेडिसिन के लिए फेमस थे, सुश्रुत किसके लिए फेमस थे, सर्जरी के लिए फेमस थे। ओके, और विष्णु शर्मा किसके लिए फेमस थे, पंचतंत्र की कहानी के लिए फेमस थे। तो ये जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स थे यहीं पे पढ़ाया करते थे। तो तक्षशिला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉट अ फंक्शन ऑफ AICTE। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन AICTE का फंक्शन नहीं है। Not a function of AICTE, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। Not a function of AICTE। Cutting constraint elimination method का यूज कीजिए। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन से आपको AICTE के functions के बारे में भी पता चलेगा। तो देखो, क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन ये तो आएगा ही आएगा, प्रमोशन ऑफ क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन, तो ये टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगा। फिर देखो, एलोकेशन ऑफ ग्रांट फॉर प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी आएगा, मतलब एक ऐसा डी भी आ रहा है आपका। फिर उसके बाद फोकस ऑन नॉन फॉर्मल एजुकेशन या फिर एम्फसाइज ऑन डेवलपिंग हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेटिव रिसर्च प्रोग्राम, ये भी आएगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर ये फोकस नहीं करता था, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, अब देखिए यहां पे AICTE के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो देखिए, आपको नोट्स जब भी आप पढ़ते हो ना, तो नोट्स किस तरीके से बना सकते हो, देखो AICTE सबसे पहले ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये फोकस करता है टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है, इस तरीके से आपको नोट बनाने हैं। 1945 में इसको सेटअप किया गया था एज एन एडवाइजरी बॉडी, बाद में 1987 में इसको कौन सा ओहदा मिला, इसको स्टैट्यूटरी ओहदा मिल गया, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको मिल गया। अब ये किसके ऊपर फोकस करता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है ये याद रखिए, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके रीजनल ऑफिसेस भी आपको याद रखने हैं, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बैंगलोर में इसके हेडक्वार्टर है। नया रीजनल ऑफिसेस हैदराबाद में सेटअप किया गया। अब इसका काम क्या है, ये मेंटेन करता है आपका, यस वेरी वेल डन काजल, पैच टीम से आप याद रख सकते हो, पैच टीम से क्या याद रख सकते हो, कौन से फील्ड के ऊपर ये फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो इसका निमोनिक्स क्या है, पैच, पैच टीम से आप इसे याद रख सकते हो। अब इसका काम क्या है, ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, किसका, टेक्निकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। अब ये काजल कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ये सब हम पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो, ये सब ऑलरेडी हमने कहां पे पढ़ा था, लाइव क्लासेस में, बैच लाइव क्लासेस में पढ़ा था। तो जो भी जुड़ना चाहते हो मेरे साथ आप जुड़ सकते हो, जहां पे हम निमोनिक्स के जरिए हम बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। यस, नर्सिंग और मेडिसिन को इंक्लूड नहीं किया गया था, वेरी वेल डन काजल, नर्सिंग और मेडिसिन को और लीगल लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था यहां पे। आगे बढ़ते हैं, द इंस्टीट्यूट वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड वाज व्हाट, जल्दी से बताइए,
जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। फर्स्ट कंप्यूटर कहां पे इंस्टॉल किया गया था? यस वेरी वेल डन। सेट वालों कहां गए आप सब? जो भी सेट के स्टूडेंट्स हैं जुड़े हैं सेट के चैनल से, आंसर्स नहीं आ रहे आपके, आंसर्स कीजिए। देखिए यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955 में एस्टेब्लिश किया गया था। ओके तो इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड इन 1955 कहां पे? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। ओके यहां पे डिटेल में लिखा है, आप इसको बाद में पढ़ लेना एक बार। हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिगनिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? भारत में इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए श्रेय रेस्पॉन्सिबल किसको जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डेलहाउसी, विलियम बेंटिक या फिर मैकोलेस? अभी अभी मैंने बताया है, अभी अभी मैंने बताया है, कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने ये इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं इसका आंसर कौन बता पा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो वेरी वेल डन। तो मैकोलेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैकोलेस माइनिट पढ़ा था ना, 6:35, 1835 में आया था, 6:35। तो 1835 में आपका मैकोलेस माइनिट आया था। मैकोलेस माइनिट आया था जो फोकस किसके ऊपर कर रहा था? फोकस कर रहा था आपके इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर, इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मेन रिकमेंडेशंस क्या था इसको हम थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं। तो मेन गोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का यही था कि किस तरीके से हम यूरोपियन लिटरेचर को प्रमोट करेंगे, साइंस को प्रमोट करेंगे इंडियंस के बीच में। ओके और जितना भी पैसा आएगा वो किसके ऊपर फोकस होगा? वो इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर ही स्पेंड होना चाहिए। किसके ऊपर स्पेंड होना चाहिए? इंग्लिश एजुकेशन के ऊपर वो स्पेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सजेस्टेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू डेवलप वैल्यूज लाइक फियरलेसनेस ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ कंसाइंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस? जल्दी से। यस वेरी वेल डन काजल। डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में भी इन्होंने बताया था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था, कहां पे हमने पढ़ा था? मैकोलेस माइनिट में दिया था। चलिए इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए सब कोई। एंड कीप शेयरिंग विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जो भी सेट और नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां पे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, शेयर करते रहिए सबके साथ। जितना ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही कंपटीशन लेवल हाई होगा और आपको भी मजा आएगा। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आजाद भारत का पहला कमीशन आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं। अब इन्होंने फोकस किसके ऊपर किया था? अब देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टू अवेकन द इनेट एबिलिटी टू लिव लाइफ बाय डेवलपिंग विजडम। अब जिंदगी जिएंगे हम विजडम, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली सोचेंगे। ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबके साथ मिलजुल के रहेंगे, डेमोक्रेसी होना चाहिए। फियरलेसनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको पूछा था। स्ट्रेंथ ऑफ कंसाइंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, डर को हटाना है। ओके कंसाइसली काम करना है, इंटीग्रिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद टू एक्वाइंट विद द कल्चरल हेरिटेज। टू एक्वाइंट विद व्हाट? कल्चरल हेरिटेज के साथ एक्वाइंट हम अपने कल्चर, हमारे सभ्यता के बारे में जाने। और उसके साथ साथ वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन भी मिलना चाहिए बच्चों को। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? कितने जन यहां पे जुड़े हैं जल्दी से अपना प्रेजेंस मार्क करेंगे कमेंट सेक्शन में। जो भी यहां पे जुड़े हैं कमेंट सेक्शन में अपना प्रेजेंस मार्क करेंगे। मैं देखता हूं कौन कौन जुड़े हैं। क्विक एवरीवन, वेरी वेल डन काजल। 180 डेज का टीचिंग डेज इन्होंने बताया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे यस टाइप करके,
कि कौन कौन यहां पे मेरे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं और कौन कौन सो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द अवार्ड गिवन बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम CSIR बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फॉर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड ऑफ साइंस। कौन से फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज व्हाट? कौन सा अवार्ड दिया जाता है? भटनागर, द्रोणाचार्य, नेहरू या फिर बोडलैंग अवार्ड? अब कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है CSIR के द्वारा जो कि साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं? यस, वेरी वेल डन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, भटनागर अवार्ड। तो जो भी ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल सही आंसर बताया है। अब सबसे पहले इनका पूरा नाम याद रखिए, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, जिसको CSIR ने एस्टैब्लिश किया था कौन से साल में? 1958 में। पहला विनर कौन था शांति स्वरूप भटनागर में? ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि फर्स्ट प्राइज शांति स्वरूप भटनागर का पहला प्राइज किसे मिला था? कारिया मणिकम श्रीनिवास कृष्णन, ये याद रखिए। ओके, अब साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो कंट्रीब्यूट करता है उनको मिलता है प्राइज वैल्यू ऑफ 5 लाख यहां पे अवार्डेड एनुअली मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है, यूनिवर्सिटी और उनके लोकेशन। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहां पे है? SNDT यूनिवर्सिटी कहां पे है? MS यूनिवर्सिटी कहां पे है? जैन व्यास यूनिवर्सिटी कहां पे है? बताइए, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सेट में ओनली 4 स्टूडेंट्स आर देयर, वेयर आर सेट स्टूडेंट्स? उन्हीं के लिए हो रहा है और वही नहीं है यहां पे। सेट के चैनल में सेट के स्टूडेंट्स कहां हैं? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 54 का ए। देखो SNDT यूनिवर्सिटी जो है वो कहां पे है? वो मुंबई में है, तो बी का तो 1 हो जाएगा, बी का तो 1 होगा। अब बी का 1 यहां पे दिया है, यहां पे दिया है, ये दो ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे इजीली एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो ए का 4 होगा या फिर ए का 3 होगा? डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ओके, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहां पे है? बी का 1 हमने कर लिया है, सी का देखो 2 होगा। MS यूनिवर्सिटी कहां पे है? वडोदरा, ओके। ब्यास यूनिवर्सिटी कहां पे है आपका? ब्यास यूनिवर्सिटी कहां पे है आपका? आपका ब्यास यूनिवर्सिटी आपका जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये यूनिवर्सिटीज के नाम भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो जिनका भी अपकमिंग वेस्ट बंगाल सेट है ना, WB सेट है, आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस कॉलेजेस के नेम और उनके लोकेशन, या फिर कौन से कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपके कॉलेज आपके स्टेट में, कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसको आपको देख के जानना है। आपके स्टेट में नेशनल पार्क्स कितने हैं ये आपको देख के जाना है। ओके, बायोडाइवर्सिटी कितना है वेस्ट बंगाल में, ये आपको देख के जाना है। अब यही सब कुछ क्वेश्चन से आपको आएंगे, और एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, एंड दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन से। तो रेडी रहिए, 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। ओके,
देखो हरी सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ पे, सागर में है। SNDT यूनिवर्सिटी कहाँ पे, मुंबई में है। MS यूनिवर्सिटी वडोदरा में है। और जैन ब्यास यूनिवर्सिटी कहाँ पे, जोधपुर में है आपके। अब देखो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर, इग्नू। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये अस्तित्व में कब आया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर्स। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो एग्जिस्टेंस में आया था कब आया था। देखो अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, इफ यू वांट दिस टाइप ऑफ सेशंस मोर, तो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप लिख के जा सकते हो। ओके डेफिनेटली लिखना। अगर आपको नहीं भी चाहिए, अगर आपको नहीं भी चाहिए तब भी लिख सकते हो आप। ओके सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में कब आया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से एक बार यूट्यूब में देखना, क्योंकि और कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा। बहुत सारे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं, मैं क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। इसलिए एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका दोनों चीज एक साथ हो सके, कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ के चले जाते हैं, क्वेश्चंस करते ही नहीं है, तो जिसके वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैंने जिस तरीके से एग्जाम को क्लियर किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन को रीड करता था। तो यही चीज मैं यहाँ पे भी फॉलो कर रहा हूँ, और आपको भी फॉलो करने के लिए ही मैं आपको सजेशन दूंगा। अब देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो इग्नू का मोटो क्या है, इसको पीपल्स यूनिवर्सिटी बोला जाता है। पहला चीज तो ये आपको याद रखी है, इसको पीपल्स यूनिवर्सिटी बोला जाता है। फिर उसके बाद ये एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत का, क्या है, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भारत का, जिसको 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको भी एक्रीडेशन कौन देता है, नैक। नैक का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल का फुल फॉर्म है। ओके चांसलर कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखिए, पूछ देंगे एग्जाम में। और वाइस चांसलर कौन है, नागेश्वर राव। ओके लोकेशन कहाँ पे, मैदान घाड़ी दिल्ली। और रीजनल सेंटर इसके 67 रीजनल सेंटर्स हैं। एकेडमिक अफिलियेशन किसके साथ है, UGC, AIU, AICTE, COL एंड DEC। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, लर्निंग टू बी, राधा कृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। स्लो हो रहा है आंसर, स्लो आ रहा है। अगर बोरिंग फील हो रहा है तो बता सकते हो, अगर आपको थक गए हो, हार गए हो और नहीं कर सकते सर, नहीं बन रहे क्वेश्चंस, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम क्लास को एंड कर देंगे। कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में आपने कहां पे पढ़ा था, दो ही आंसर्स आए, प्राची एंड गीता। वेयर आर अदर्स, आई थिंक लग रहा है सबका पेपर वन बहुत स्ट्रांग है, राइट right? क्या बोलते हो, आज एक ही दिन करेंगे, कल से नहीं करते हैं। आई थिंक लग रहा है पेपर वन सबका स्ट्रांग है। होगा कि आप
वेर आर अदर्स, प्राची, गीता एंड काजल, बाकी सब कहाँ है? अभी मेहनत कर लो, अभी जितना क्वेश्चंस बन रहे हैं कर लो, नहीं तो फिर बाद में ऐसा ना हो कि एक मार्क की वजह से यही चीज रोना पड़े कि बाद में कि काश हमने उस समय थोड़ा सा एक्टिव होके पार्टिसिपेट करके कर लिया होता क्लास, तो आज हमारा सेट एग्जाम क्लियर हो गया रहता, नेट एग्जाम क्लियर हो गया रहता। ओके, यही सब चीज हम बाद में पछताते हैं, काश हमने उस समय थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ लिया होता, थोड़ा सा आंसर सॉल्व कर लिया होता, सर डांट रहे तो सर की डांट सुन लिया होता, आज हमें पछतावा नहीं होना पड़ता। ओके, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, मैं लिख के दे दे रहा हूं, बाद में बहुत इतना पछतावा होगा कि फिर से एक साल वेट करना पड़ेगा उसी एग्जाम के लिए। घर के ताने, इतना ताने सुनोगे कि इसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, आपको भी पता है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है। ओके, ये हार्ड फैक्ट है, ट्रू फैक्ट है, तो ये सबको ध्यान में रख के मेहनत करो, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरा कोई है जो कि पढ़ रहा है। तो कोठारी कमीशन क्या होगा? कॉमन स्कूल सिस्टम, तो सी का हो गया 4, तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ये दो तो एलिमिनेट कर देंगे हम। ओके, अब ये जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आया था, नहीं होगा सिलाबस, विलाबस जो चेंज जो बोल रहे हैं ना, वो सिलाबस चेंज नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो जो बात जो बहुत सारे जो देखते रहते हो ना कि सिलाबस चेंज होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, अपने दिमाग में आप कचरा ही भर रहे हो और कुछ नहीं भर रहे हो, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, और बस आपका फोकस किसके ऊपर रह जा रहा है कि सिलाबस चेंज होगा। अब सिलाबस चेंज होगा तो होगा, वो बाद में बात है, अभी जो प्रेजेंट में उसके ऊपर तो फोकस करो ना। आप प्रेजेंट में फोकस नहीं कर रहे हो, अब फ्यूचर में रह रहे हो, अब फ्यूचर में क्या होगा किसको क्या पता है। अब नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में जो 1986 में आया था, वहां पे नवोदय और केबीज को एस्टेब्लिश करने के लिए बात हुआ था, तो डी का हो गया थर्ड, तो डी का थर्ड हो गया मतलब ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया था आपका आंसर सही है। लर्निंग टू बी हमने पढ़ा था ना, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू बी लिव टूगेदर, KDBL, ये कहां पे पढ़ा था? यूनेस्को, यूनेस्को के जो हमने एजुकेशन का 4 पिलर्स हमने पढ़ा था, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू डू लिव टूगेदर, तो दैट इज वर्ल्ड एजुकेशन। और राधा कृष्णन कमीशन जो था वो किसके ऊपर फोकस कर रहा था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, आपका काम है, आपको होमवर्क है, ये सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ यूजीसी, नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ यूजीसी, क्लास खत्म होने के बाद सब कोई कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हम कंटिन्यू करेंगे कल भी, अगर नहीं लग रहा है तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, एंड आई वांट ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू जो भी सेट और नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, बिकॉज क्लास करने के लिए भी इट नीड टाइम्स एंड एफर्ट, समझ रहे हो कि नहीं? अगर आपको एफर्ट नहीं लगाना है तो हम भी एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो अगर आपको कंटिन्यू करना है सीरीज को, जो भी 4 दिन 5 दिन बचा है आपके वेस्ट बंगाल सेट के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना जो भी आपको चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया, यस सही है, मिनिमम स्टैंडर्ड को सेट करता है हायर एजुकेशन में, ये कोऑर्डिनेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है, डिटरमाइन करता है, मेंटेन भी करता है स्टैंडर्ड्स को, पैसा भी देता है, ग्रांट्स भी प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटीज को, तो ए बी डी तो है ही है, तो गलत कौन होगा? गलत एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पे देखो, यूजीसी का जो मैंडेट आया था, यूजीसी का जो मैंडेट आया था यहां पे, उसके काम्स क्या क्या हैं उसको हम एक बार पढ़ देखते हैं। यहां पे देखो, सबसे पहले तो प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, प्रोमोट करता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, सबसे पहले तो ये याद रखिए। स्टैंडर्ड सेट करता है कि क्या टीचिंग का स्टैंडर्ड होना चाहिए, एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, और रिसर्च क्या होना चाहिए यूनिवर्सिटीज पे।
रेगुलेट करता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, मॉनिटर करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डेवलप करता है, डिसबर्स देता है, पैसा देता है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक वाइटल लिंक क्रिएट करता है, और साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से हम इंप्रूव करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशंस को, इसके बारे में भी यहां पे वो मैंडेट देता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट, लोकल इन नेचर। आपको बताना है एनवायरमेंटल इश्यूज कौन सा लोकल है, लोकल इन नेचर। जल्दी से बताइए। रोम होता है ना, जो है ओनली मेमोरी, अभी भी देखा ना, तो इसमें क्या होता है। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी से इसका आंसर बताइए। एनवायरमेंटल इश्यूज जो कि लोकल लेवल में है, जो कि लोकल है नेचर बाय। देखो, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है तो वो क्या है, वो सभी के लिए होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी होगा, चाइना के लिए भी होगा, तो ये तो होगा नहीं, तो वन को हम एलिमिनेट कर देंगे। ओके, क्लाइमेट चेंज, ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ये भी नहीं आएगा, तो फोर को भी एलिमिनेट कर देंगे, फोर को एलिमिनेट, तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब देखो, लेक पॉल्यूशन ये भी लोकल लेवल में है, सॉइल इरोजन ये भी लोकल लेवल में है, वाटर लॉग ये भी लोकल लेवल में है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी लोकल लेवल में है। आई होप लोकल लेवल और ग्लोबल लेवल के बीच में आपको डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। ओके, लोकल लेवल में मतलब जैसे मान लो किसी कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या फिर स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो लोकल है। ओके, वो लोकल है। अब जैसे लेक पॉल्यूशन है, लेक पॉल्यूशन मतलब मान लो इंडिया में कोई लेक का पॉल्यूट हो रहा है, उसका इंपैक्ट सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलेगा, समझ गए? जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो भोपाल में ही देखने को मिला था उसका इंपैक्ट, बाकी राज्य में नहीं दिखा था, समझ रहे? तो बाकी लेवल में नहीं देखने को मिला था। सॉइल इरोजन जो हो रहा है वो भी लोकल लेवल में देखने को मिल रहा है, क्लियर है? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है तो वो हर जगह में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, ओजोन लेयर का डिप्लेशन हर जगह में देखने को मिलेगा, तो इसी के लिए इसका आंसर क्या होगा, ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस समिट एडॉप्टेड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कहां पे प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया गया था? क्लास खत्म होने के बाद सबको ही कमेंट सेक्शन में अपना अपना रेस्पॉन्स लिख के जाना, और मैं कमेंट सेक्शन सबका पढ़ता हूं, और अगर आपको ये सेशंस कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर वी वांट टू कंटिन्यू विद दिस सेशन एंड वी विल बी डेफिनेटली प्रेजेंट फॉर द अपकमिंग सेशन ऑल्सो, क्योंकि मैं जितना एफर्ट मार रहा हूं आपके लिए आपको भी उतना एफर्ट देना पड़ेगा। ओके, एंड सबके साथ शेयर करना है आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसके कौन बताया था, रियो डी जेनेरियो में पहली बार इसके बारे में बात हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा गया है, बाद में आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर, एंड जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए NTA UGC NET के चैनल को। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डू प्रोवाइड योर ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट फीडबैक ऑल्सो। ओके, चलिए, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए। ओके, and happy learning to all of you. बोल रही है।